6 लाख की बिल्कुल नहीं लगता मुझे, ये लग रहा है कि शायद आप मजाक कर रहे हो, लेकिन हाँ 6 लाख यार, 6 लाख में गाड़ी। कि ये जो है कि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, हमारा मुकाबला बन ही नहीं सकता। ये वही बात है कि वो कोई वजीरन 5 साल पूरे नहीं कर सका है, तो इधर टट्टू मेरा उन्हें। चलो ठीक है जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ बाहर ही, पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड स्टूडेंट पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन स्टिल इधर ही रह रहा हूँ। अच्छा, मुझे अगर मैं आपको आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी की आपकी ड्रीम है कि यार ये मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ड्रीम होती है कि इंसान की ड्रीम। आजकल जो चल रही है तो वो मुझे बेसिकली किया पसंद है, किया और MG की गाड़ियाँ मुझे पसंद है। बनाई उन्होंने किया, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, स्पोर्टेज बहुत अच्छी बनाई हुई है, सिंगल पर्सन के लिए पिकांटो बहुत अच्छी हुई है। तो क्या क्या प्राइस है स्टम किया स्पोर्टेज की? स्टम जब शुरू शुरू में लॉन्च हुई थी तो 45 तक थी लैक तक, तो जो पिकांटो थी वो अराउंड अबाउट 24 तक थी। अब जो है तो वो पिकांटो भी अब किया कि स्पोर्टेज वाली प्राइस में नहीं मिल रही, तो इतनी ज़्यादा हाइक हो चुकी हैं प्राइसेस, और पाकिस्तान में ही है हर 2-3 माह बाद ही ये प्राइसेस हाइक हो रही हैं गाड़ियों की भी और बाइक्स वगैरह की भी। चले मैं एक गाड़ी दिखाऊँगा, आप मैं बता रहा हूँ कौन सी कंट्री लॉन्च कर, क्या प्राइस होगी उसकी। ठीक ठीक है, ब्राइटनेस आई थिंक ये रिसेंटली इंडिया ने ये लॉन्च किया है, टाटा की है ये। इतनी इतनी जल्दी जज किस तरह कर लिया आपने? वो इस वजह से कि असल में सोशल मीडिया के साथ भी अटैच हैं, तो चीज़ें जो नज़र से गुजरती हैं तो पता चल जाता है। तो वैसे भी हमारा हमसाया मुल्क है तो वो निभा रहा है दुश्मनी, वो यही निभा रहा है कि गाड़ियाँ बनाता जा रहा है। IT की फील्ड में देखे वो हमसे आगे ही है, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ। तो अच्छा मुझे बात सुने, वजह से कि ये टाटा वालों का ब्रांड है और CNG गाड़ी है, क्या प्राइस उन्होंने निकाली अपने मुल्क के लिए? प्राइस की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बनाई हुई है तो मुझे यही लगता है 15-16 लाख तक इंडियन में मतलब ये होनी चाहिए। तो पाकिस्तानी कितनी होगी? पाकिस्तानी ये 25 से ज़्यादा होगी, 30 तक होगी। चले मुझे बताया अगर ये पाकिस्तान 25। अच्छा ये टाटा उनका ब्रांड है, आपको पता काफ़ी पुराना ब्रांड। हाँ ये काफ़ी पुराना महिंद्रा ब्रांड भी है बिल्कुल। इस तरह की वो गाड़ियाँ बहुत मतलब कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं और लीज प्राइस में। उनके जो पहले मैंने मॉडल देखे हैं ये सिर्फ नज़र से गुजरा था, लेकिन इसकी प्राइस का जो था वो मुझे बताइए। ये जो अगर हम बात करते हैं अगर इंडिया ने आपको पता 2022 में बीट किया जापान को गाड़ियों व्हीकल्स में, अब वो 2023 में करने जा रहे हैं टोयोटा को ब्रांड को वो बीट करने जा रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने अपने मुल्क में इतनी व्हीकल्स बनाए कि उनका अपना लोकल ब्रांड अब यूरोप कंट्री में भी चलने लगे। सर देखिए मैं कुछ जनरल सी बात करूँगा आपको एक एग्जाम्पल के साथ, कि अगर आपका दायरा कार ये है 2 मीटर का, आप उसमें रह के अपना काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आपका दायरा 2 मीटर के और आपने एक कैनाल को घेरा हुआ है ना, तो वो आप 2 मीटर भी नहीं संभाल पाएंगे। तो इस मुल्क का यही अलमिया है कि जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अगर वो संभालें तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट भी आएगी, और अगर फेयरली और लॉयलिटी के साथ काम किया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम में जो जज्बा है, जुर्रत है, हिम्मत है, डेफिनेटली है, लेकिन उस हिम्मत का क्या फ़ायदा जब उसको कैश ही ना किया जाए। तो इंडिया जो है हमारी मुकाबले में IT में बहुत ज़्यादा आगे है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो वो अब जापान को बीट करें, जापान कोई छोटी बात नहीं है कि उसको बीट करना, तो जापान को कर रहा है, टोयोटा को कर रहा है, तो वो डेफिनेटली उन्होंने अपने काम पर फोकस किया हुआ है, ना कि हर तरफ उन्होंने टांगे अड़ाई हुई हैं बाकियों की तरह। चले मैं अब ये प्राइस बताइए, इंडिया वालों ने अपनी आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गिफ्ट देने जा रहा है 6 लाख रुपये। अच्छा नहीं मेरी बात सुने, मतलब ये हद ही हो गई है कि अब वो गाड़ी आपने भी देखी है डेफिनेटली आपके पास, तो आपको लगता 6 लाख की गाड़ी है? 6 लाख की बिल्कुल नहीं लगता मुझे, ये लग रहा है कि शायद आप मजाक कर रहे हो, लेकिन अगर एक्चुअल ये प्राइस है तो आप खुद एनालिसिस करें अपना इंडिया के साथ कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और वो कहाँ खड़े हुए। एक्चुअली बात मानने की ये जो है कि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, हमारा मुकाबला बन ही नहीं सकता। ये वही बात है कि वो बुज़ुर्ग जा रहा था ना, तो बच्चे ने पीछे से कोई आवाज़ लगाई तो बुज़ुर्ग ने आँखें फाड़ के देखा और बच्चे ने कहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता। तो वही बच्चे वाली एग्जांपल है कि हम उसे कहते हैं कि ये हमसे डर गया है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। असल में जो इम्प्रूवमेंट है वो आपकी टेक्नोलॉजी में है, आपकी आईटी में है, आप प्रोडक्ट किस तरह की दे रही हैं, मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है। तो उन्होंने जापान को बीट किया है तो पाकिस्तान इसको कम्पीट नहीं कर सकता, और इसके लिए काफ़ी सारा हमें टाइम चाहिए होगा और काफ़ी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। स्पेशली एवरी डिपार्टमेंट्स अगर अपनी उसमें स्पेसिफिकेशन और कयूद में रह के काम करें तो इंशाल्लाह बेटरमेंट हो सकती है। ठीक है, मुझे बताएं कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इंडियन अवाम को, पाकिस्तान अवाम देखे, इंडियन में देख रहे हैं, इस टाइम आपको यूएई भी देख रहा है। अच्छा अच्छा, उनके लिए हाँ मैसेज दे, इंडियन अवाम के लिए मैसेज दे और जो जो आपको दे रहे हैं उन सबको मैसेज इकट्ठा दे दें। उनके लिए मैसेज यही है कि हर इंसान जो है उसके अंदर एक दूसरे इंसान के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग एम्पैथी सिंपैथी होती है। ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं आपस में कंट्रीज़ की वो जस्ट पोलिटिकली हैं। तो मैं करतारपुर गया, मेरी इंडिया वालों से मतलब बात हुई है, वहाँ के जो सिख बरदरी आई हुई थी, यकीन माने इतनी उन्होंने मोहब्बतें बाँटी और उनके सेम यही वर्डिंग थी जो मेरी वर्डिंग है। तो इस तरह की जो नफरत हैं उनको ख़त्म करके लॉयलिटी के साथ अपने जिस मुल्क में रह रहे, क्योंकि जो इंडिया में रह रहे हैं उसकी इंडिया के लिए मोहब्बत ज़्यादा है, बेशक वो मुस्लिम भी हो। तो यहाँ पे भी कुछ दोस्त हैं हमारे हिंदू हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी भी मोहब्बत है लेकिन पाकिस्तान के साथ है, बेशक वो देखने में हिंदू ही हैं। तो इस तरह की मोहब्बतें बांटें और अपने काम जो है वो मैं यही तरीकाकार बताऊँ कि स्पेसिफ़िकली जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो आपकी बाउंड्री है उसमें रह के आप काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी होगी। और पाकिस्तानी आवाम को भी अगर वहाँ पे अगर कोई देख रहा है यहाँ से माइग्रेट होकर, तो उसको भी यही तंबीह की जाती है कि अपने मुल्क के लिए अपनी कौम के लिए वो कोशिश करें। और बहरान, बहरान का क्या रेट है वैसे? बहरान अगर सेकंड हैंड भी लेने जाओ तो नॉर्मल जो सही आदमी तकरीबन 8-9 में मिलेगी। कितने सीसी है बहरान? ये कितनी सीसी है? 800 सीसी। अच्छा बोल गए हो? हाँ बोल। अच्छा चले मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा। अच्छा। आपने मुझे बताया वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की, क्या प्राइस होगी? अच्छा। ठीक है, सीएनजी है ये, इसका फ्रंट है ये, एकदम है सारी है, इधर वीडियो देख लो सारी, दो तो आगे कर करके देख। बंदे की आवाज़ से मुझे तो कोई इंडियन लग रहे हैं। अच्छा ये है जी इसका, ये है बैक और ये अब आगे आगे इसका फ्रंट आ रहा है, ये आ गया है इसका फ्रंट। ये कोई चाइनीज प्रोडक्शन भी हो सकती है? वहाँ पे लोगो दिखाएं मुझे, ये इधर देख लो, ये लो सीएनजी है। ठीक है, चेंगन है शायद, मुझे थोड़ा जूम कर लो, चेंगन है, चेंगन आपने बताना है। टाटा मोटर्स। कैसे गैस किया आपने? ये उसके लोगों से गैस किया। लोगों से गैस किया? यार आपका तो इतना तजर्बा है यार, पहला बंदा मिला जिसे इतनी जल्दी बता दी। ये कितने की है गाड़ी? ये आपसे मुझे बताओ कितने की लॉन्च की होगी? ये होगी कोई 25-30-35 लाख की। 35 लाख। ठीक है, ये है 35 लाख। ठीक है, सीएनजी टोटल गाड़ी, ऑटो भी है सीएनजी भी है। 5 लाख कम हो जाएगा सीएनजी पे, लेकिन गाड़ी तो है ना। अच्छा पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी है आज तो देखियो टाटा जा, ये जो है इनकी टाटा ब्रांड की गाड़ी? नहीं, टाटा पंच गाड़ी है, सीएनजी है, ये भी लॉन्च हो रहा है आज। नहीं देखी कोई है पार्ट? नहीं, हाइब्रिड गाड़ी है लेकिन सीएनजी पे गाड़ियाँ नहीं है मिलेगी। मुझे बताओ पाकिस्तान में मैक्सिमम छोटी गाड़ी का क्या रेट है, कितने सीसी गाड़ी है वो? 650 सीसी है, उससे भी ज़्यादा है? नई गाड़ी है? हाँ वो होगी 20-25। आल्टो क्या रेट है? नया कोई पता नहीं आल्टो का रेट, तो और कोई गाड़ी का बता दो। 25-30 में तो कम से कम होगी छोटी, हमारी स्टार्टिंग गाड़ी। हाँ स्टार्टिंग जो होती है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, इंडिया वालों ने लॉन्च किया है, टाटा ब्रांड है उनका। हाँ उन्होंने ये कितने की लॉन्च की होगी? 35 लाख आप कह रहे हैं। पाकिस्तान में अगर ये होती तो कितने की होनी चाहिए थी ये? पाकिस्तान में अगर, पाकिस्तान में 35 लाख ही, 35 तो उनकी, उनकी किस करेंसी, उनके रेट के हिसाब से फिर हमारा बनता है ये तकरीबन 3 रुपये है हमारे, उनका 1 रुपये।
उसी हिसाब से उनके 12 लाख की होगी। 12 लाख रुपये। अच्छा मैं बताने जा रही हूँ, ये इंडिया वालों ने अपनी आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपये किलो। हाँ 6 लाख यार, 6 लाख में गाड़ी, और 6 लाख में गाड़ी हो रहा माँ जी ले लेंगे यार, 6 लाख में। और 6 बंदे रहते हैं हॉस्टल में, 6 बंदे, हमने 1-1 लाख डालना है, यकीन माने हम फ्रीलांसिंग करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, 1-1 लाख हमारे हमने सिर्फ डालना है, हमारी गाड़ी है जनी। 6 लाख की पाकिस्तान में कोई गाड़ी है नहीं हूँ, 6 लाख में धक्के नहीं देते हैं गाड़ियों में। बाइक आपकी, बाइक तो 3 लाख रुपए की तो बाइक हो चुकी है। हाँ बहुत महंगी, 3.5 लाख रुपए की ये बाइक चला रहे हैं। पेट्रोल भी 300 रुपये पेट्रोल भी दिया, अभी कह रहे हैं 30 रुपये और बढ़ने। हाँ मुझे बताओ, इंडिया ने इतनी अच्छी अचीवमेंट की है इधर आते, हम क्यों नहीं अपनी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करें गाड़ी? भाई कल ना मैंने, कल परसों एक स्टेटस देखा था, उसमें समी इब्राहिम है ये रिपोर्टर ना, जो अपना रिपोर्टर समी इब्राहिम, उसका एक स्टेटस लगा हुआ था कि इंडियन जो हैं वो गाड़ियों की प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। ठीक हो गया, बीट किया जापान को, जापान को बीट किया, दूसरे नंबर पे आ गए हैं। और हम इसमें खुश हैं कि वाघा बॉर्डर पे हमारा फौजी ज्यादा ऊंची जांग उठाता है। हाँ ठीक है, ये इनके हालात है और कोई सीन नहीं। तो कब तक हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी इमरान खान की गवर्नमेंट, लेकिन ये अभी बंद हो गए सारे प्लांट ना, इसकी वजह से। इसकी वजह है ये यूनिट में कॉस्ट बहुत बढ़ी, बिजली के कॉस्ट बहुत बढ़ी है। इंडिया ने पोर्ट्स बंद हो गई हैं, एलसीज बंद हो गई हैं, पोर्ट पे पड़ी हुई हैं 4-5 बिलियन डॉलर की एलसीज पड़ी हुई हैं उधर पोर्ट पे, ये खोल नहीं रहे हैं। इंडिया ने जापान को बीट किया, अब वो टोयोटा को बीट करना है, टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड है दुनिया का, अब उसको बीट करने जा रहे हैं इसी 2023 में, उनका टारगेट है हमने उनको बीट करना है। मुझे बताए हम लोकल, उनके लोकल मैन्युफैक्चर दो हैं इस टाइम, टाटा और महिंद्रा है, हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह कि हमारी हुकूमत कब तक ऐसे अपनी प्रोडक्ट बनाएगी कि हम भी कहें मेड इन पाकिस्तान की ये भी गाड़ी है हमारे पास? ये हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मतलब नालायकी है, जो हुंडई है या जो कंपनियां इधर काम कर रही हैं होंडा, ये बहुत देर से काम कर रही हैं, इनके साथ मुआदे हुए थे, आपने 5 साल में 10 साल में आपने असम्बली प्लान इधर शुरू करने हैं और जो स्पेयर पार्ट्स हैं आपने इधर बनाने हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सस्ती, हाँ ऑटोमेटिक सस्ती, क्योंकि ये पार्ट्स बाहर से इधर से असेंबल करते हैं, इधर बनाते हैं, बंद हो गया। हाँ वो भी बंद हो गया, असेंबलिंग भी बंद हो गई है, उसकी वजह ये है कि इनको बिजली बहुत महंगी पड़ी है और ये कॉस्ट बहुत महंगी पड़ी है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से वो प्लांट चलाएंगे ना, अपना नुकसान कौन देखता है, तुम नहीं करा सकते अपना नुकसान, मैं नहीं करा सकता, तो उसकी वजह ये है कि जिनके मादे जो हैं गवर्नमेंट 5 साल का काम सोचती है, लेकिन हमें जो चाइना है ये इंडिया है 20 साल के विजन पे चलते हैं, 2030 में हमने क्या करना है, 2045 में वो अपना उन्होंने एक पूरा बनाया था क्या, इस साल हमने क्या रोड मैप बनाया होता है पूरा उन्होंने, हमारा रोड मैप कोई नहीं है, 3 साल में गवर्नमेंट गिर जाती है दोबारा आ जाती है, 75 साल में कोई वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो इधर टट्टू मेरा उन्हें। चलो ठीक है, हाँ बोले तफे हो।